सो फ्रेंड, आप लोग मिनी केवाईसी कैसे कर पाओगे घर बैठे, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि जो है इस वीडियो में मैंने आप लोग को कुछ प्रोसेस बताया है ताकि आप लोग भी जो है पेटीएम की मिनी केवाईसी करके पेटीएम को यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पे आप लोग को पेटीएम सबसे पहले आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बीसी एजेंट वाला लिंक है। और यहाँ पे सर्च में आप लोग को केवाईसी लिखना है, केवाईसी लिखेंगे यहाँ पे दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, केवाईसी पॉइंट और केवाईसी। तो यहाँ पे केवाईसी पेटीएम केवाईसी क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जीरो अकाउंट वाला इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे नीचे अकाउंट पे क्लिक करके ओपन स्टेटस पे चेक करेंगे आपकी केवाईसी डन हुई है या पेंडिंग में है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है प्रोसेस पता चलेगा कि केवाईसी आपकी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने अपना सारा डिटेल तो फिलअप कर दिया था, आधार कार्ड पैन कार्ड का। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पेंडिंग शो हो रहा है, पेंडिंग क्लियर हो जाने के बाद आपकी जो है केवाईसी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से अभी जो है बहुत सारे जो है यूज़र, नए यूज़र केवाईसी कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नहीं भी हो रहा है। तो आपको पेटीएम स्टोर पे जाना होगा और वहाँ पे जाके आपकी केवाईसी डन हो पाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, और यहाँ पे जो है वेट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप लोग जो है कैशबैक ऑफ़र भी चेक कर सकते हैं, आपके नंबर पे कौन कौन से कैशबैक मिल रहे हैं, रिचार्ज या जो है डीटीएच पेमेंट या किस चीज़ पे आपको कैशबैक मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे आप लोग को ऊपर से नीचे चले जाना है धीरे धीरे करते हुए। और यहाँ पे आप लोग UPI ऐड करके भी पेटीएम यूज़ कर सकते हैं। अभी जो है बहुत सारे जो है नए यूज़र जो है KYC कराने के बाद अपना अकाउंट एक बार अपडेट भी कर लिया करें, ताकि उनकी KYC एक बार जो है प्रॉब्लम जो भी है पेंडिंग क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों का लेटर भी आता है घर पे, लेटर आने में प्रॉब्लम होता है, लेटर भी आ जाएगा। क्योंकि पेटीएम स्टोर पे जो KYC होती है वहाँ पे आप लोग की जेन्युइन KYC होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और आप लोग जो मैनुअल KYC घर बैठे करते हो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वीडियो KYC भी आप कर सकते हो, वीडियो KYC का भी एलिजिबिलिटी आपको मिल चुका है। तो वीडियो KYC के माध्यम से आप लोग पेटीएम यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो पेटीएम और फ़ोनपे और गूगल पे ये तीनों UPI के थ्रू ही चलते हैं, और आप लोग UPI के माध्यम से इन तीनों का यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और कुछ वीडियो में आप लोग को छूट गया है तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।